जापान के ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने कुत्ता बनने की चाह में 11 लाख की रकम खर्च कर डाली। अगर आपको भी लग रहा है कि हम यहाँ इंसान के लिए किसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, जिस शख्स के लिए हम कुत्ता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए यह गाली नहीं है। दरअसल हम आज जापान के ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने कुत्ता बनने की चाह में 11 लाख की रकम खर्च कर डाली। हैरत वाली बात तो यह रही कि आखिर में वह कुत्ता बन भी गया। उसका बदला रूप देखकर आप भी एक पल के लिए धोखा खा सकते हैं कि इंसान ही है या असली कुत्ता। क्या है पूरा मामला? हो सकता है आपको पूरा मामला समझ में ना आ रहा हो, तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल माजरा ये है कि जापान के एक शख्स ने 11 लाख रुपए की एक कॉस्ट्यूम खरीदी है। इस कॉस्ट्यूम को पहनकर उसने खुद को कुत्ते में बदल दिया है। जापान के टोको नाम के शख्स ने खुद को कुत्ते में बदलने के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई दंग रह गया। बचपन से चाह की कुत्ते की जिंदगी हो, यह सुनकर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच है। टोको को बचपन से कुत्ते वाली जिंदगी चाहिए थी। यही वजह रही कि आखिरकार उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोको को कूली डॉग ब्रीड में बदला गया है। जापान की एक प्रोफेशनल एजेंसी जेपेट वर्कशॉप कंपनी ने टोको को कूली कुत्ते का रूप दिया है। 11 लाख की बनी कुत्ते की कॉस्ट्यूम। टोको को कुत्ता बनाने के लिए 11 लाख रुपए खर्च करने पड़े। वहीं इस कॉस्ट्यूम के लिए उसे 40 दिन का इंतजार करना पड़ा। इस बारे में टोको ने बताया कि कूली उसकी पसंदीदा डॉग ब्रीड है, इसलिए उसने इसके लिए कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। टोको ने बताया कि इस ड्रेस को पहनना उसके लिए आसान है और अब वह कुत्तों जैसी मूवमेंट भी कर पा रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।